हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मैप्स के बारे में, मानचित्र के बारे में। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी, एशिया की प्रमुख नदियों को देखा था, उनकी अवस्थिति देखी थी, और जो तत्व थे मुख उन्हें भी देखी थी। इसमें बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक, क्या देखेंगे? ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियों के बारे में। याद रखिए, आपके जितने भी चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं मैप्स से संबंधित, वो सभी मैप्स के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां। चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया के पहले हम लोग अवस्थिति देख लेते हैं मैप्स में कहाँ स्थित है। ये है आपकी प्यारी पृथ्वी, इसमें आपका उत्तरी अमेरिका, ये यहीं दक्षिणी अमेरिका है आपका। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर लगा हुआ है, उत्तरी प्रशांत महासागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियाई सागर, यहाँ हडसन खाड़ी। ठीक है, ये उत्तरी अटलांटिक है आपका, यहाँ दक्षिणी अटलांटिक है नीचे, ये आपका अफ्रीका है। ठीक है, ये ऊपर यूरोप लगा हुआ है, ये एशिया है। ठीक, यही आपका प्यारा भारत है। ठीक, ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, फिलीपींस सागर। ठीक, ये बाड़ा सागर, अराब हुआ सागर, यहीं सोलोमान सागर, कोरल सागर। ये है आपका प्यारा ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है? ये है आपका प्यारा ऑस्ट्रेलिया, ये है पूरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यही महान ऑस्ट्रेलियाई खलीज है। ये आपका न्यूजीलैंड है नीचे, तस्मान सागर है, टास मानिया है, ठीक, ऑकलैंड है। ठीक, ये है पूरा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक, चलिए तो अभी इनकी अवस्थिति देख लेते हैं नदियों की, कहाँ कौन है। ठीक, ये है आपका प्यारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है पूरा। ठीक, सबसे पहले ऊपर से देखते हैं हम लोग नदियों का क्रम। तो ये आपकी मिचेल नदी है, ये आपकी मिचेल नदी बहती है, यही आपकी गिलबर्ट नदी है, मिचेल नदी और गिलबर्ट नदी। याद रखिए, अरापुआ सागर के पास ही पानी गिराती है अपने जल। ठीक है यहाँ। ठीक है, फिर आपकी फिलैंडर्स नदी, कौन सी? फिलैंडर्स नदी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में बहने वाली इस नदी का उद्गम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से होता है। यह नदी उत्तर की ओर बहते हुए कार्पेटिया की खाड़ी में, यहाँ आपकी कार्पेटिया की खाड़ी है, यहाँ जल जाती है। ठीक है, फिर है आपकी डेली नदी, यह आपकी डेली नदी। ठीक है, डेली नदी के बारे में आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत के अर्नहम लैंड क्षेत्र में एक नदी जो पश्चिम में बहकर एंसन की खाड़ी, कौन सी? एंसन की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक, यही आपकी विक्टोरिया नदी है, ये आपकी विक्टोरिया नदी है। विक्टोरिया नदी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत स्थित नदी जो उत्तर दिशा में बहते हुए जोसेफ वोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है। तंबर पीक इस नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, फिर है आपकी फिट राय नदी। तो इसके बारे में याद रखिए कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट सैंडी मरुस्थल के उत्तर तथा किंग लियोपोल्ड सैंडी के दक्षिण बहने वाली एक नदी जो किंग साउंड की खाड़ी में गिरती है, किंग साउंड की। ठीक, ये आपकी फोर्टेस्क्यू नदी है। ठीक है, फोर्टेस्क्यू नदी है, इसके बारे में आपको, यहाँ है आपकी फोर्टेस्क्यू नदी। ठीक, ये आपकी मार्चिसन नदी है,
मार्चिसन नदी के बारे में याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम प्रांत में बहने वाली इस नदी का उद्गम माउंट अगस्टस से होता है। यह नदी दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए हिंद महासागर में अपना जल गिराती है। आपकी ये थाम्सन नदी है। कौन सी? थाम्सन नदी। ठीक है, ये आपकी थाम्सन थाम्सन नदी के बाद आपके नीचे चले तो मुरी नदी है। ये डार्लिंग नदी की सहायक नदी है, मुरी नदी। ठीक, डार्लिंग नदी आपकी है, डार्लिंग नदी। ठीक, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलकर डार्लिंग नदी न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया राज्यों से बहती हुई इनकाउंटर इनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है। इसके उपजाऊ मैदान में गेहूं, तिलहन, दलहन और फलों एवं सब्जियों की खेती होती है। ठीक, ओ फिर आपकी लाचलान नदी। लाचलान नदी, इसका उद्गम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से होता है। यह मरे नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक, और यह ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में प्रांत में बहती है। ठीक, मरे नदी है आपकी। ये ऑस्ट्रेलिया की एक महत्वपूर्ण नदी है जो पूर्वी विक्टोरिया के कोसेस्को पठार से निकलकर विक्टोरिया तथा न्यू साउथ वेल्स की सीमा के सहारे प्रवाहित होती हुई अलेक्जेंडिना झील से बहते हुए एनकाउंटर खाड़ी में गिरती है। ठीक है, डार्लिंग, मुरुम्बिजी की इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, फिर नीचे आते हैं। यह आपकी क्यूथा नदी है। यहाँ क्यूथा नदी बह रही, तो क्यूथा नदी के बारे में याद रखिए कि यह नदी न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के साथ दक्षिण भाग में बहती है। यह अपना जल प्रशांत महासागर में गिराती है। ठीक, फिर यही आपकी ये आपकी हुरुनोई नदी है। ये भी आपकी न्यूजीलैंड में ही बहती है। ठीक है, यहाँ पे शांत महासागर लगा हुआ है। फिर आपकी ये तायरी नदी है। जो तायरी नदी है आपकी, ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप की प्रमुख नदी है। यह भी अपना प्रशांत महासागर में जल गिराती है। ठीक है, प्रशांत महासागर लगा हुआ है। फिर बेराउ नदी, ठीक है, यहाँ है जी। ठीक है, ये बह रहे हैं। तो इसके बाद फिर यही आपकी मोहाका नदी। मोहाका नदी है जो यह न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के केमा नावा पर्वत से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हुई प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है। फिर यही आपकी बेयायू नदी है, बेयापू नदी। ठीक, फिर आपकी रंगी टेकी नदी। ठीक, यही आपकी बेपा नदी है। बेपा नदी है जो यह नदी न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर उत्तरी भाग में बहती है। यह प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, याद रखिए क्योंकि ये प्रशांत महासागर लगा हुआ है। ठीक, चलिए इनकी अब जो पॉइंट है उन्हें भी देख लेते हैं हम लोग। तो पहली नदी हमारी डेली नदी। कौन सी? डेली नदी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत के अर्नहम लैंड के क्षेत्र में एक नदी जो पश्चिम में बहकर एंसन की खाड़ी में गिरती है। फिर आपकी फिट्ज़रॉय नदी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट सैंडी मरुस्थल के उत्तर तथा किंग लियोपोल्ड सैंडी के दाहिने बहने वाली एक नदी जो किंग साउंड की खाड़ी में गिरती है। फिर आपकी मुरुम्बिजीगी नदी न्यू साउथ वेल्स के दक्षिणी भाग में बहने वाली एक नदी जो ग्रेट डिवाइडिंग सैंडी के कैनबरा से निकलकर मरे नदी में मिलती है। यह नदी लगभग 806.45 किलोमीटर है। फिर मरे नदी ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण नदी जो पूर्वी विक्टोरिया के कोसिस्को पठार से निकलकर विक्टोरिया तथा न्यू साउथ वेल्स की सीमा के सहारे प्रभावित होती हुई अलेक्जेंडिना
झील से बहती हुई एनकाउंटर खाड़ी में गिरती है। डार्लिंग, मुरुम्बिजीगी इसकी सहायक नदियां हैं। फ्रयाबुटी डार्लिंग नदी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलकर डार्लिंग नदी न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया राज्यों में बहती हुई एनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है। इसके उपजाऊ मैदान में गेहूं, तिलहन, दलहन तथा फलों एवं सब्जियों की खेती की जाती है। ठीक, फिर आपकी विक्टोरिया नदी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत स्थित नदी जो उत्तर दिशा में बहते हुए जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है। तंबर क्रीक इस नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, फिर आपकी लाच लान नदी, इसका उद्गम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से होता है। यह मरे नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में बहती है। फिर आपकी फ्लैंडर्स नदी, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में बहने वाली इस नदी का उद्गम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से होता है। यह नदी उत्तर की ओर बहते हुए कार्पेटिया की खाड़ी में गिरती है, याद रखिए। फिर आपकी मार्चिनसन नदी, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत में बहने वाली इस नदी का उद्गम माउंट ऑगस्टस से होता है। यह नदी दक्षिण पश्चिम की तरफ बहते हुए हिंद महासागर में गिरती है। ठीक, फिर क्लूथा नदी, यह नदी न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के दक्षिण भाग में बहती है। यह अपना जल प्रशांत महासागर में गिराती है। ठीक, फिर आपकी तायरी नदी यह न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप की प्रमुख नदी है। यह प्रशांत महासागर में गिरती है। ठीक, वेपा नदी, यह नदी न्यूजीलैंड की उत्तरी द्वीप पर उत्तरी भाग में बहती है। यह प्रशांत महासागर में गिरती है। फिर आपकी मोहाका नदी, यह न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के केमा नावा पर्वत से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हुई प्रशांत महासागर में गिरती है। ठीक, तो ये थी आज तक आपकी नदियां लोग बात कर चुके हैं। आगे बात करेंगे हम लोग उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलों को देखेंगे हम लोग। ठीक है, हम कौन कौन सी उत्तरी अमेरिका में झीलें हैं।